एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज 5.3 अभी चल रहा है। इससे पहले 5.3 के बहुत सारे क्लास हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ जो हम लोग क्लास में जो सीखेंगे क्वेश्चन, वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 तक पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सीखेंगे। तो सब लोग आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी बहुमूल्य, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और जो पिछले क्लास में नहीं रहे होंगे, या जो भी आपका 5.3 का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा। वो सब क्वेश्चन भी आप सबके लिए काफी VVI है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे, उस एपी के प्रथम 51 पदों का क्या निकालना, योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए गए हैं 14 और 18, है ना। तो कितने पदों का योग निकालना, तो 51 पदों का योग निकालना, दूसरा पद और तीसरा पद हमें ज्ञात है, यानी कि मालूम है। देख लीजिए यहाँ, चूंकि आपको जो मालूम है वो दूसरा पद कितना है, देख सकते हैं दूसरा पद कितना बोला गया है। तो पहले दूसरा पद, फिर तीसरा पद है, ये हो जाएगा दूसरा पद 14 और तीसरा पद हो जाएगा आपका 18। और पदों की संख्या कितनी वहां है यहाँ पे, तो बोला गया आपका 51। 51 पदों का योग निकालना है, यानी कि पदों की संख्या कितनी 51, और योग निकालना है, यानी कि एस 51 का वैल्यू निकालना है, 51 पदों का योग निकालना है। ध्यान दीजिएगा, योग का जो फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला, एन बाई टू ए प्लस एल बी होता, या एन बाई टू, अब उसके बाद लॉन्ग फॉर्मूला लगाइएगा, है ना, एन बाई टू बड़ी ब्रैकेट 2a + n-1 गुणा में भी। दोनों कंडीशन में क्या आपका ए और डी आना चाहिए, ए और डी, ए और डी मालूम है क्या, कहीं पर देखिए तो क्वेश्चन में ए का वैल्यू और डी का वैल्यू नहीं मालूम है, जबकि एन का वैल्यू मालूम है। तो सबसे पहला क्या रहेगा टारगेट हमारा, सबसे पहला टारगेट रहेगा ए का वैल्यू और डी का वैल्यू निकालना। तो वो निकलेगा कहां से, आपको पता होगा जो वैल्यू दी जाती है उसी से निकलता। देखिए दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, दूसरे नंबर पे 14 आएगा, तीसरे नंबर पे आपका 18 आएगा, कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4, यानी कि पहले नंबर पे होगा 10, कितना होगा पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे कितना आएगा आपका 10 आएगा, 4 पहले कर लेंगे, डी का वैल्यू कितना आएगा 4। ये तो हो गया आपका ओरल मौखिक। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चूंकि देखिए ए टू इक्वल में कितना आपका 14, है ना, ऐसा ए टू को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए प्लस में 2d, ए प्लस में 2d इक्वल में कितना आपका 14 हो जाएगा। ए टू को सॉरी ए प्लस में d लिखते हैं, क्या लिखते हैं ए प्लस में d, 1d, d हो गया इक्वेशन नंबर 1। ए थ्री को लिखते हैं ए प्लस में 2d, है ना, ए फोर को ए प्लस में 3d। फिर देखिएगा, तो फिर जो आपको ज्ञात है वो क्या है, ए थ्री का वैल्यू कितना 18 है, लिख लीजिए ए थ्री इक्वल में कितना 18। ए थ्री को क्या कहेंगे, तो ए प्लस में 2d कहेंगे, ए प्लस में 2d इक्वल में हो जाएगा आपका कितना यहाँ पे 18, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, इतना बहुत इजी है। जो पद दिए जाएंगे उसी पद के सहारे से हम लोग क्या करेंगे, जो अज्ञात पद होगा उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब देखिएगा क्या करने वाले हैं, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां देखिएगा, तो यहां डी के बगल में क्या कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1 होगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ क्या आपका 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और तरीका, आप अगर चाहे तो ए के, ए का जो गुणांक होगा, ये जो ए के गुणा में होगा उससे भी कर सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में ए कट जाएगा, ये वाला कंडीशन में क्या होगा, पहले आपका डी कट जाएगा, कोई ना कोई एक लुप्त होगा, गायब होगा, तभी आपका एक वैल्यू निकल के आएगा। तो यहां देख लीजिए, इक्वेशन 1 में जो डी के बगल में रहेगा, गुना में रहेगा, उसको 2 में गुना कर देना, जो 2 में रहेगा उसको 1 में गुना कर देना। यहाँ शब्दों में लिख दीजिए, समीकरण 1 किससे गुना हो रहा है, तो वो हो रहा है 2 से। उसके बाद एक चिन्ह लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पे,
क्यों लिखेंगे घटाने पे? क्योंकि जिसके यहां पर से आप गुना कीजिएगा ना, वहां का साइन देखिएगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस से कोई मतलब नहीं है। देखिएगा, एक जैसा चिन्ह है या अलग अलग है? तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो क्या आपका एक जैसा, यानी कि समान चिन्ह है। क्या समान चिन्ह रहेगा घटाने पे, असमान चिन्ह रहेगा यानी कि एक प्लस एक माइनस तो होगा यहाँ पे जोड़ने पे, ठीक है। और समीकरण दो गुना कितना लगेगा आपका, ये बराबर गुना कर लीजिए, दो को सबसे गुना कीजिएगा, तो दो को ए से गुना कीजिएगा, टू ए है ना, प्लस टू को डी से गुना कीजिएगा, आपका टू डी इक्वल गुना कीजिएगा, तो 14 दुना 28 हो जाएगा, कितना आपका 28, ठीक है ना। उसके बाद वन से सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका वन होगा प्लस में टू डी होगा यहाँ पे, इक्वल में कितना आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी टू डी है, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्या थोड़ा सा इसको कर लेते हैं नीचे, ये रहा, ठीक है। जब भी रहेगा घटाने पे, नीचे वाले का सबका क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये आपका प्लस में ना ए है, माइनस में कर दीजिए नीचे वाले का, ये प्लस में टू डी है कर दीजिए माइनस में टू डी, ये प्लस में 18 है तो कर दीजिए माइनस में 18, क्लियर है। टू डी से टू डी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टू डी ऊपर वाला आपका प्लस में है, जबकि नीचे वाला टू डी किस में हो गया, माइनस में हो गया। ये माइनस कब होता है, जब घटाने पे। समीकरण दो को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, समीकरण एक को दो से गुना करके घटा देना है, किसको, समीकरण दो को एक से गुना करके, क्लियर है। यहाँ माइनस कीजिएगा तो टू ए में से ए माइनस कीजिएगा, आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, ए वन ए, टू ए में से वन ए माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वन ए आएगा, यहाँ तो कट गया, इक्वल 28 में से आप 18 को माइनस कीजिएगा तो बचेगा 13, ठीक है ना। हम आपको मौखिक रूप से बताए थे इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा, बिल्कुल निकल के आ गया 10। तो ये निकल के आया किसका वैल्यू, ए का वैल्यू। अब क्या करने वाले हैं हम, ए का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर वन में या टू में, जिसमें रखना है आप रख सकते हैं, पूरा एक चैप्टर ही है लिनियर इक्वेशन, पर आप दो चार वाले रैखिक समीकरण पूरा उसमें इक्वेशन ही है पूरा, है ना, समीकरण ही है, सेम वही प्रोसेस है, वहां एक्स वाई अधिकतर देखा जाता है, यहाँ ए और डी देखा जा रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए का मान समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर, रखने पर, तो समीकरण एक कितना देख सकते हैं, ए प्लस में डी इक्वल में कितना है, 14 है, लिख लीजिए ए प्लस में डी इक्वल में 14, इतना ही है, ये तो गुना कर रहे थे, ठीक है, ये इतना ही है समीकरण एक। ए का वैल्यू कितना है देख सकते हैं, 10 है तो 10 कर लेते हैं, प्लस डी का वैल्यू कितना है देख सकते हैं, डी का वैल्यू नहीं मालूम है, डी का वैल्यू दिख रहा है कहीं पे, देखिए तो आपको कहीं पर डी का वैल्यू नहीं दिख रहा होगा, तो डी का डी रहेगा और 14 है तो 14 आ जाएगा, ठीक है अपना। इसके बाद निकालना किसका वैल्यू है, ए का निकल गया तो किसका निकालना है, डी का वैल्यू निकालना, डी ऐसे ही रह जाएगा, 10 को कर देंगे इक्वेशन के उस पार, इक्वल के उस पार, तो डी इक्वल में हो जाएगा आपका 14 और माइनस में हो जाएगा आपका 10, चूंकि ये 10 डी के साथ क्या प्लस में है, आगे भी प्लस लगा हुआ है, उस पर जाके माइनस में हो जाएगा, डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 4, क्या निकल के आया 4 निकल के आया, जो कि हम आपको पहले ही कैसे निकल के आएगा वो बता दिए थे, है ना। अब यहाँ पे ए का वैल्यू भी मालूम है, डी का भी वैल्यू मालूम है, और एन का भी वैल्यू मालूम है, तो हमें कहाँ निकालना, ए से निकालना, कितने पदों का योग, 51, 51 पदों का योग। तो यहाँ पे जो योग का फॉर्मूला लगाएंगे वो लॉन्ग फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मूला में आता है एल, यानी कि एन, जो कि इसमें ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है। इतना कर लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ताकि हम क्लियर यहीं पे स्पष्ट रूप से इसी किनारे में बना देंगे आपका, ठीक है। याद रखिएगा कि ए का वैल्यू 10 है, डी का वैल्यू कितना है आपका, 4 आया निकल के, चलिए इसको कर देते हैं साफ, है ना, साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट जब सब लोग ले लिए होंगे, इसको कर देते हैं साहब यहाँ पे, और यहीं पे आपको हम निकाल देंगे किसका वैल्यू, 51 पदों का योग, है ना, 51 पदों का योग आपका निकल के यहीं पे आ जाएगा। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे अब तक, जरूर जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब लोग लाइक कीजिएगा, और सब लोग शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। जो नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे,
और सब लोग स्टडी पर ध्यान दें, ठीक है, सब लोग स्टडी पर ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। इसीलिए हमको निकालना जो है, इसीलिए एस 51 निकालना, 51 पदों का योग, इसको क्या पढ़ेंगे, 51 पदों का योग। फॉर्मूला एन बाई टू बड़ी बड़ा के 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में होता है डी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, शॉर्ट फॉर्मूला में आता है एन बाई टू ए प्लस में एल, एल मतलब अंतिम पद, और आपको कहीं से कहीं मालूम नहीं है कि अंतिम पद क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, इतना पता कि 51 उसमें अंक होंगे, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना है, 51 लिख लीजिए, 51 बाई टू, टू ए दिख रहा है, ए का वैल्यू कितना निकल गया देख सकते हैं, 10 निकल गया, 10 प्लस एन का वैल्यू कितना है देख सकते हैं, 51 माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना है देख सकते हैं, कितना आपका 4, ठीक है, इतना समझ में आ गया अगर सबका, 4 कैसे आया, डी का वैल्यू कितना 4 है, तो 4 लिख दिए। अब करेंगे इसी को सॉल्व और आ जाएगा आपका आंसर, 51 बाई टू क्या, 51 बाई टू या इसमें कर लीजिए क्या, गुना कर लीजिए, 10 गुना कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, प्लस थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 51 में से एक को माइनस कर ले, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा ये 50, 51 माइनस एक होगा तो कितना होगा 50, अब 50 को कर देना है किससे गुना, 4 से गुना, तो कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, चलिए कर देते हैं यहाँ पे कितना 200 कर देते हैं, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया, कैसे कर दिया यहाँ पे 50 में से एक घटा दिए, सॉरी 51 में से एक घटा दिए 50, अब 50 को कर दिए 4 से गुना, कितना हो गया आपका 200। अब क्या करने वाले यहां से, 51 बटा 2 क्या 51 बटा 2 दोनों जो है आपस में ऐड में है, 20 और 200 दोनों का करेंगे ऐड कर देंगे, लेकिन ये जो ब्रैकेट ब्रैकेट जो दिख रहा है यहाँ पे आपका क्या है छिपा हुआ, वो है मल्टीपल यानी के गुना, ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 220 है ना, 220, और उसके बटा में कुछ दिख रहा है आपको 2, क्या दिख रहा है 2, तो डिवाइड कर देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि मैथ का नियम ही कहता है डिवाइड होने वाला रहे कर दीजिए, बाद में बाद के सारे मत छोड़िए कि बाद में कर देंगे, पहले गुना बाद में, ऐसा नहीं, अब पहले डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो 51 से गुना कीजिए बड़ा सा पहाड़ सा अंक आ जाएगा, फिर आप दो से लफड़ा हो जाएगा ना, इसको डिवाइड कर दिया 2 से तो 110, 2 2 2 और 0 का 0 110 आया, कितना है 110, 51 इंटू में कितना है 110, इसी को कर देना है मल्टीप्लाई और आपका हो जाएगा क्या फाइनल आंसर, ठीक है, कितना आया 51 और 110, चलिए गुना करके देख लेते हैं कितना आएगा, देखिएगा गुना 0 का 0 नोट कर लेते हैं पहले, पता होगा 0 का गुना 11 से गुना कर दीजिए, 11 इकाई 11 के 1 हासिल कितना हो जाएगा आपका 1 बच जाएगा, 11 पचे कितना होता 55 यानी कि 55, हाथ में लेके क्या होगा 56 यानी कि 5610 कितना आया 5610 निकल गया इसका फाइनल आंसर। तो इसमें जो वर्क किया गया वो सबसे पहले इन दोनों से, इससे इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इससे इक्वेशन नंबर 2 आ गया, उसको सॉल्व किए तो आपका निकल गया प्रथम पद a का वैल्यू और कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर का वैल्यू निकल के आ गया। उसके बाद निकालने का था 51 पदों का योग एड है ना, उसको कहते हैं हम लोग एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला लगाया, बड़ा वाला फॉर्मूला जो होता है वो लगाया, और उसके बाद मान डाल दिए, मान डालने के बाद जो सॉल्व होता है, प्लस होता तो प्लस करते हैं, माइनस होता तो माइनस करते हैं, गुना होता तो गुना, भाग होता तो भाग, उसका जो वर्क किया गया निकले कितना है आपका 5610, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से सब स्टूडेंट को 100% स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है ना, फिर उसको आप नोटबुक में ऐड कर लेंगे, फिर उसका प्रैक्टिस करेंगे, आपको और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, अब पूरा याद हो जाएगा है ना, ऐसा याद होगा कि जब चाहिएगा तब तो बना लीजिएगा है ना, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब लोग लाइक कर देंगे एक बार, और जो दोस्त आपके अब तक क्लास में नहीं आए होंगे उनको शेयर भी कर देंगे, जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा आपका? नाइन, है ना? क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर नाइन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन में आपका कहता है इस तरह से, यदि किसी एपी के प्रथम सात पदों का योग दिया हुआ है 49, कोई एपी है सात पदों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 49 आएगा। और प्रथम 17 पदों का योग, ठीक है, प्रथम 17 पदों का योग, फिर बोला कि अगर 17 पद को जोड़ेंगे, कितना को जोड़ेंगे? 17 को जोड़ेंगे तो आपका 289 होगा। कितना होगा? 289 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि प्रथम एन पदों का योग क्या होगा, यानी कि प्रथम एन पदों का योग, एन मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, उसका क्या होगा, ये तो निकालना है। तो यहाँ पे जो दिया गया उसका हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए बोला गया प्रथम सात पदों का योग 49, तो सात पदों के योग को क्या कहेंगे? S7 कहेंगे। ये कितना आपका? 49 है। इसमें क्या पढ़ेंगे? सात पदों का योग पढ़ेंगे, है ना, सात पदों का योग हो जाएगा। उसके बाद बोला गया 17 पदों का योग, कितना? 17 पदों का योग बोला गया 289 है। देखिए 17 पदों का योग 289, कितना लगा? 289 यानी कि 289 हो जाएगा। क्लियर? इतना ये हो गया आपका 17 पदों का योग, ये हो गया आपका सात पदों का योग, है ना, क्लियर है? इस मतलब योग में आता। तो फिर हमें क्या बोला गया? एन पदों का योग क्या होगा? एन पदों का योग यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर का जब योग करेंगे तो क्या आएगा, यही निकालना है हमें। क्लियर है क्वेश्चन में? चलिए, तो जो दिख रहा है आपको वैल्यू जो दिया गया है टोटल वैल्यू, उसी से तो निकलेगा एन एन वाय एन पदों का जो योग निकालिएगा, सॉरी उसको कहेंगे हम लोग एस एन, क्या कहेंगे? एस एन कहेंगे। एस एन जो निकालिएगा तो उसके फॉर्मूला में क्या आना चाहिए? ए का वैल्यू और आना चाहिए आपका डी का वैल्यू, ए डी आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो सबसे पहला क्या काम करेंगे हम, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू निकालेंगे। देखते रहेगा ध्यान से, देखिए बिल्कुल 100% आपका क्लियर होगा, पूरा आपको समझ में आएगा। एस एन दिया हुआ कितना है? 49। एस एन कितना है? 49 है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख लीजिए। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन गुना में डी, इक्वल में कितना आपका है? 49। क्लियर? इतना क्लियर है तो देखिए आगे बहुत आसानी से बन जाएगा आपका। एन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? तो ये बात हो रही है वो कैमरा पदों की बात हो रही है, सातवां पद, सात पदों का योग। तो यहाँ पे इस सवाल में पदों की संख्या कितनी है? 7 है ना, पदों की संख्या 7 है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना डालेंगे? 7 डालेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू नहीं मालूम है, 2a प्लस ये भी क्या होगा आपका? 7, कितना होगा आपका? 7 माइनस 1, कितना रहेगा आपका? 7 माइनस 1 इंटू डी का डी रहेगा और इक्वल रहेगा आपका 49, ठीक है। क्लियर है? 7 कहां से आ गया? क्योंकि एस 7 सात पदों का योग, बोले क्वेश्चन ही तो है सात पदों का योग, एन का वैल्यू 7 हो जाएगा। ये जो आपको 2 दिख रहा है ना, उसको ले चलते हैं बराबर के उस पार, या आपका कीजिए दोनों को ले चलिए बराबर के उस पार, बेहतर होगा, एक ही साथ काम कर देंगे दोनों का। इस पार बच जाएगा आपका 2a, और ध्यान से यहां देखिएगा तो 7 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 6। 7 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 6, और 6 को जब d से मल्टीप्लाई किया जाएगा होगा आपका 6d, इक्वल यहां देखते रहेंगे 49। और जैसे ही ये इस पर आएगा ना तो ये डिवाइड में हो जाएगा 7, सॉरी मल्टी इसमें डिवाइड में हो जाएगा 7/2, डिवाइड में 7/2 होगा, जब उसको मल्टीपल में बदलेंगे तो हो जाएगा ये 2/7। क्लियर? देखिए 49 डिवाइडेड बाय जाएगा 7/2, जब ये इस पर जाके चूंकि गुना में पूरा इसको बदलिएगा तो 49 गुना में हो जाएगा 2/2, कितना? 7/49 कट जाएगा, ठीक है। यहां भी काट देंगे 7/49। उसके बाद देखिएगा इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, फिर 2 कॉमन ले लीजिए, आपका बचेगा यहाँ ये a, यहाँ बचेगा आपका 3d, क्या बचेगा आपका? 3d बच जाएगा, इक्वल में 7/2 = 14, कितना? 7/2 = 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिएगा इसके ये गुना में है 2, बिल्कुल आप आराम से यहां से इसको काट सकते हैं, कितनी बार में? 7 बार में काट सकते हैं, है कि नहीं? काट सकते हैं, बहुत ही आसान है। फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं,
सात पदों का योग मालूम था उसको लिख दिए, उसका फॉर्मूला लगा दिए, फिर आपका जो दिया हुआ था इसको ले गया बराबर के उस पार, यहाँ देखिए यहाँ आ गया, ये भाग सॉरी पूरा के गुना में था, इस पर आके हो गया डिवाइड में, पलट जाएगा वो डिवाइड रहेगा तो गुना करके 7 × 49 कर जाएगा, 7 × 14 हो गया, ये दोनों में से 2 कॉमन ले, 2 से कट जाएगा 7 बार में, यानी कि जो आपका आया वो आया आपका ए प्लस में 3b इक्वल में 7, ये आपका आया इक्वेशन नंबर 1। क्या निकल गया है? इक्वेशन नंबर 1 निकल के आया है। इसको साफ कर देते हैं, ये हो गया साफ। अब जो है ये जो आपका आया है इक्वेशन नंबर 1 वो आया आपका S7 से यानी कि 7 पदों का योग से निकल के आया। इसको कर देते हैं करो। अब ये जो 17 पदों का योग है, सेम वर्क सेम प्रोसेस, सेम वर्क सेम प्रोसेस, इनका वैल्यू डिफरेंस है, अलग है, प्रोसेस वही होगा, और यहां से भी निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, चूंकि S17 इक्वल में कितना आपका 2A9, फॉर्मूला वही होगा n/2 बड़ी ब्रैकेट 2A+n-1 (d) इक्वल कितना होगा आपका 289, 289 हो जाएगा, है ना। चलिए यहां पे जो n का वैल्यू होगा वो कितना होगा आपको पता चल गया होगा, 17 होगा। कितना होगा n का वैल्यू? 17 होगा, क्योंकि देख सकते हैं Sn, तो यहाँ पे क्या है 17 पदों का योग, n का वैल्यू कितना 17, डाल लीजिए 17/2, ये आपका 2A+ का होगा आपका 17 - 1 (n)2 में d का d इक्वल में कितना आ जाएगा, ये बड़ी ब्रैकेट है सॉरी बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं, इक्वल में कितना 289, ठीक है 289 हो गया। अब जैसे हम उसको उस पार किए थे 7/2 को, यहां भी कर देंगे किसको 17/2 को उस पार करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, है ना, बस कर देते हैं। चलिए देखिए अब डाल लीजिए उस पार, तो आपका क्या हो जाएगा देखिएगा, यहां से उस पार जैसे ले चलते हैं इसको, तो यहां हो जाएगा आपका 2A+- होगा तो हो जाएगा 16, 16 को डी से गुना कीजिएगा क्या होगा 16d, क्लियर है ये 17 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये आपका 289 और डिवाइडेड, जैसे ही उस पर जाएगा ये तो डिवाइड हो जाएगा, वहां मल्टीपल कर देंगे तो 2 ऊपर और 17 नीचे, ये क्रॉस हो जाएगा कितनी बार में 17 टाइम्स में, ठीक है, क्योंकि 17 का स्क्वायर भी होता है 289, और 289 में जब 17 से भाग कीजिए तो कितनी बार कट जाएगा, वो 17 बार में कट जाएगा। दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2A+ सॉरी कॉमन लेना है ना, कॉमन लीजिए दोनों में 2, तो 2 कॉमन है तो A+ में 8d, कितना डी 8d, यह हो जाएगा 17 × 34 (34), इससे कट जाएगा कितनी बार 17 बार में, A+ में 8d इक्वल में आ जाएगा कितना आपका 17 इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से कहा निकल गया, इक्वेशन नंबर 1 निकल के आया और इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को, और निकालेंगे ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, जब ए और डी का वैल्यू आ जाएगा तब एन पदों का योग भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, पूरा आपको समझ में आएगा, पूरा देखिएगा पूरा समझ में आएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसको कर देते हैं इतना साफ, इक्वेशन नंबर 1 रहने देंगे, इसको कर देते हैं साफ, इस क्वेश्चन का भी काम खत्म हो गया, इसको भी कर देते हैं साफ, ठीक है, ताकि आपको आगे बता सके, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा प्रोसेस है इक्वेशन 1 2 का, है ना, अपन जाके बहुत आसानी से जैसे कि अभी बनेगा, ठीक है, और आपको पूरा समझ में भी आएगा, है ना, क्लियर है सबका। अब देखिएगा यहाँ क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, देखिए ए के गुना में क्या 1 है, यहाँ भी ए के गुना में क्या आपका 1 है, तो आप तो या इससे पहले डी को किए थे, यहाँ भी डी से डी को कर सकते हैं, या आप सिंपल तरीके से चाहते हैं तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस कर दीजिए, गुना ना मत कीजिए, ठीक है। देखिए समीकरण 1 माइनस यानी कि घटाओ समीकरण 2, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 नोट कर लीजिए, ए प्लस में 3d इक्वल कितना आपका 7, ए प्लस में 8d इक्वल ठीक है। यहाँ पे गुना इसलिए नहीं किया हम कर रहे हैं, हम जहां हम गुना कर रहे हैं ए के बगल वाले से, किससे, यहाँ भी ए के बगल में 1 है, यहाँ भी ए के बगल में क्या यानी गुना में क्या 1 है, 1 से गुना कीजिए आपका वही रहेगा, सिर्फ घटाने पर लिख दी,
प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा आपका ए, वहां डी कट है, ये कट गया। 3d में से 5, 8d माइनस कीजिए तो बचेगा आपका माइनस में 5d, इक्वल 7 में से आप 17 माइनस कीजिए तो बचेगा माइनस में कितना 10, माइनस में 10 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 2 टाइम्स में कैंसिल, d बराबर आ गया 2। d का वैल्यू कितना आया, d इक्वल में कितना आया 2, यानी कि d का वैल्यू निकल के आ गया 2। अब क्या करेंगे, d का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, d का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक दिख रहा है आपको कितना, ए प्लस में 3 डी इक्वल में 7, इसको आप कर देते हैं साथ, क्या ये आपका हो गया साफ, तो आपका आ जाएगा ए प्लस में डी का वैल्यू कितना 3 × 2 इक्वल में 7, ए प्लस में जाएगा 6 इक्वल में 7, आपका आ जाएगा ए इक्वल में 7 - 6, तो ए का वैल्यू कितना आएगा आपका 1। ए का वैल्यू कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, और डी का वैल्यू कितना निकल के आएगा 2। देख सकते हैं यहाँ क्लियर है इक्वेशन, तो सब लोग जानते हैं, बहुत क्वेश्चन हम इक्वेशन का बता चुके हैं, और सब इक्वेशन आपका एक ही जैसा है, एक ही पैटर्न पे है आपका, ऐसा समझिए, तो इसमें भी कोई दिक्कत हम नहीं हुआ किसी को, है ना, इतना क्लियर है। डी का वैल्यू 2 आया, ए का वैल्यू 1 आ गया। अब निकालना इन पदों का योग, कर देते हैं इसको साफ, स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से ले लेंगे, चलिए तो ले लिया होंगे सब लोग, इसको कर दिए हम यहाँ से साफ, और निकाल दिए आपका फाइनल क्या आंसर, है ना। चलिए तो क्लास जो लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा सब लोग, जो आखिरी में आए होंगे सब लोग लाइक जरूर करेंगे। तो ये आपका साफ हो गया, इसीलिए जो हमको निकालना है फाइनल, वो कहाँ निकालना है, एन पदों का, इसीलिए कहाँ निकालना है हमको, एस है, एस एन का लॉन्ग फॉर्मूला लगेगा, चूंकि शॉर्ट फॉर्मूला एन का वैल्यू मालूम नहीं है, एन बाय टू, 2a + n - 1 इंटू में डी। अब देखिए यहाँ पे यही तो निकालना, एस एन क्या निकालना, एस एन निकालना है एन पदों का योग, तो एन का वैल्यू आपका एन ही रह जाएगा, एन बाय टू आपका आएगा 2 × में ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, 1 + n का वैल्यू एन ही रहेगा, -1, और डी का वैल्यू कितना आप देख सकते हैं 2, डी का वैल्यू कितना आया था 2 आया था। अब कर दीजिए इसको सॉल्व, देखिए यहाँ पे एन बाय टू का एन बाय टू रह जाएगा यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे 2 बन जा 2 + इस 2 से दोनों का कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को n से मल्टीप्लाई कीजिए 2n, और 2 को -1 से गुणा किया -2, अब देखिए इससे ये आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, तो n बाई टू बचा यहाँ, इंटू में क्या बचा आपका 2n, क्या बचा 2n, ये वाला 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो n और n क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं n n पदों का जो योग आएगा, n पदों का जो योग आएगा यानी कि Sn जो आएगा इसके अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन था आपका दिया हुआ 17वां पद 2n था, ठीक है, तो n पदों का जो योग आएगा वो कितना आएगा n स्क्वायर, क्या होगा n स्क्वायर, यही होगा आपका राइट आंसर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आपको बिल्कुल समझ में भी आया होगा, ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में, जय हिंद जय भारत।